प्रधान व जल निगम की लापरवाही के चलते गंदा व कीटाणु युक्त पानी पीने के लिए मजबूर ग्रामीण। जहां एक तरफ शासन व प्रशासन की मंशा है हर घर पीने के लिए स्वच्छ जल मिले, कहीं भी बरसात में जलभराव ना हो जिससे संचारी रोगों से बचा जा सके। जनपद कानपुर देहात के सरवन खेड़ा में करीब 5 वर्ष पहले नल जल योजना के तहत पानी की टंकी बनी थी, जिसे चालू करते हुए करीब 2 वर्ष बीत गए। इन्हीं 2 वर्षों में ही बिछाई गई पाइपलाइन जगह जगह से फूट गई, जिससे पानी का रिसाव रहता है। पानी की सप्लाई बंद होने पर फूटी हुई पाइपलाइन से नालियों का गंदा पानी वापसी करके चला जाता है, बाद में वही पानी पीने के लिए घरों में जाता है, जिससे गांव में बीमारी ने पैर पसार लिए हैं। ग्रामीणों की माने तो अब तक 3 बच्चों की मौत भी हो गई है, बहुत से बच्चे बीमार पड़े हैं, जिसके संबंध में ग्रामीणों ने मीडिया के सामने बयां किया अपना दर्द। कौन से गाँव है? सरवन खेड़ा। क्या समस्या है आपको? यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है, हर घर में बीमारी है और एक दो पानी साफ इतना गंदा आ रहा है, कुछ कहने को नहीं। हम लोग परेशान हैं, पानी ना हर घर में मोटर है ना किसी लेने जाओ तो मना कर देते हैं पानी नहीं देंगे। प्रधान से के पास गए सूचना लेके, तो प्रधान के पास सूचना पहुँच गई है मगर प्रधान कुछ सुनवाई नहीं कर रहे मेरी। चौकी भी गए थे, वहाँ कह रहे थे एप्लीकेशन दे आके, तो हम एप्लीकेशन तो नहीं देने गए, फिर हमने उसमें पेपर में तो जरूर निकलवाया था। क्या मानना है किस तरह से पानी गंदा आता है? क्या पानी उसमें गंदा ऐसे आता है कि टंकी इतना बदबू दे, कुछ गंदा इतना पानी आता है, फैक्ट्री का पानी है, बड़ा फैक्ट्री है वहाँ पढ़ाई पर, तो वो पानी वहीं से सप्लाई से छोड़ देते हैं, नाली में जाता है वहीं से पानी उछलता है, फिर वही नीचे जाता है, वही गंदगी हम लोग यूज कर रहे हैं। पानी ना पीने का काम आ रहा है ना किसी चीज़ करने। आपका मानना है ये बड़ा फैक्ट्री से गंदा पानी जो है आता है और कुछ बात नहीं है, और लेकिन सारा ना अच्छा है, बहुत दिक्कत हो रही है आपका? हमारा नाम रामा पार है। कौन सा गाँव है? यही सरवन खेड़ा है। अच्छा, क्या समस्या है दादा? समस्या ये है कि जो है पानी जो है गंदा आ रहा है, पीने में लोग बीमार पड़े, मेरे मोहल्ले में कोई भी घर ऐसा नहीं है, एक आध बच्चे भी खत्म हो गए, मेरा भी नातिब जो है जय पड़ा अस्पताल में, घर पर कोई नहीं आया, दिक्कत समझ में आ रही मुझे। तो ये गंदा क्यों आता है? हम क्या बताएं कि क्या आप हार्डिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार के सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आँखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।